क्या आप भी फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और सिलीगुड़ी में एक बेस्ट कॉलेज की तलाश में हैं, या फिर सिलीगुड़ी से बाहर आप अपना करियर को और भी ज्यादा इनहेंस करने के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलीगुड़ी में एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर आप फैशन एंड इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स बहुत ही अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। प्राइस की मैं बात करूँ तो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पे वही लेवल का जो बाहर आप करना चाहते हैं स्टडी, वही लेवल का वही क्वालिटी में आपको इस कॉलेज में मिलने वाला है। नाम है इंस्पिरिया नॉलेज कैंपस, जी हाँ, जाना माना नाम हम सभी जानते हैं, और इस कॉलेज में आपको इंटीरियर एंड फैशन डिजाइनिंग के कोर्स आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ अंदर चलिए, कैसा यह कॉलेज कैंपस है, किस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट को सिखाया जाता है, किस तरीके से जो टीचर्स है वो स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए इंस्पिरिया नॉलेज कैंपस देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर दिस। अब हम आपको दिखाने वाले हैं इंस्पिरिया नॉलेज कैंपस के BID लैब, यानी कि BSc इंटीरियर डिजाइन लैब, जी हाँ, जहाँ पे स्टूडेंट किस तरीके से इंटीरियर डिज़ाइन का क्या कुछ सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, वो सब जानेंगे, और यहाँ पे सेकंड ईयर के कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है, उनका भी थोड़ा बहुत रिव्यू लेंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है इंटीरियर डिज़ाइन के सर एंड मैडम, उनसे बातचीत करेंगे क्या क्या कहना है उनका। हेलो सर, मैम, वेलकम टू इंस्पिरिया नॉलेज कैंपस। तो हम लोग का ये जो डिपार्टमेंट है, ये BSc इन इंटीरियर डिज़ाइन जो मकाउट के अंदर में आता है, और वो 3 ईयर्स का कोर्स है। तो 3 ईयर्स के कोर्स में स्टूडेंट लोग सिर्फ पढ़ाई ये सिर्फ नहीं करेंगे, वो लोग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, कैसे प्रैक्टिकल फील्ड में काम करते हैं, वो सब सीखेंगे एक ही छत के नीचे। सो वेलकम टू इंस्पिरिया वंस अगेन। तो यहाँ स्टूडेंट लोग कैसे काम करते हैं, मैं और ध्रुवानी मैम विल शो यू कि हाउ स्टूडेंट्स वर्क एंड व्हाट इज देयर प्रोस्पेक्ट आफ्टर दे कम आउट फ्रॉम दिस कॉलेज एंड वेयर दे सेटल डाउन एट द एंड ऑफ देयर 3 ईयर्स कोर्स ऑफ टाइम। थैंक यू। अब हम इंटीरियर डिजाइन के कोर्सेज के बारे में मैम से जानना चाहेंगे, मैम जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। हेलो, वेलकम टू द इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट। मेरा नाम ध्रुवानी मिश्रा है, मैं यहाँ पे एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो हमारा ये 3 साल का कोर्स है जो मकाउट से अफिलिएटेड है। 3 साल में हम लोग इस कोर्स को ऐसे डिवाइड किए कि पूरा एक एक्सटेंसिव आइडिया हो कि इंडस्ट्री कैसे काम होता है। फर्स्ट ईयर हम लोग स्पेसिफिकली डिज़ाइन थिंकिंग के ऊपर फोकस करते हैं। डिज़ाइन थिंकिंग मतलब हम लोग डिज़ाइन फंडामेंटल्स, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और इनोवेशन सिखाते हैं। और इनोवेशन हमें लगता है कि बेस्ट वे टू एक्सप्रेस इनोवेशन हाथ से काम करने से होता है। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग ट्राई करते हैं कम्प्लीटली हैंड वर्क, चाहे वो आप जैसे देख सकते हैं ऐसे मॉडल मेकिंग हो, या फिर ड्राइंग हो, या फिर कोई भी हैंडीवर्क का काम हम लोग फर्स्ट ईयर में रखते हैं। सेकेंड ईयर वी मूव ऑन टू द कोर, जो कि हम लोग का सॉफ्टवेयर है, बोथ 2D एंड 3D सॉफ्टवेयर हम लोग एकदम कोल्डली फोकस करते हैं, जो कि इन लोग का आगे जाके ब्रेड एंड बटर होने वाला है एंड जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा काम आता है। सॉफ्टवेयर में क्या सिखाते हैं, हम लोग ऑटोकैड सिखाते हैं, स्केचअप सिखाते हैं एंड फोटोशॉप सिखाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम लोग सिखाते हैं, बट एक्सटेंसिवली ये 3 पे काम होता है। एंड थर्ड ईयर में हम लोग ये फोकस करते हैं कि पूरा इंडस्ट्री का काम कैसे होता है एंड एकदम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड काम पे हम लोग फोकस करते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा उनको ऑफिस में लेके जाने की कोशिश करते हैं, इंटर्नशिप को इंक्लूड करते हैं इसके अंदर, ताकि उन लोग को पता चले कि एक्चुअली इंडस्ट्री कैसे काम होता है एंड आगे जाके भी उनका नेटवर्किंग सही से हो, ताकि वो लोग आगे जाके वो सारे काम पकड़ पाए। तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे स्टूडेंट से कि वो किस तरीके से अपना काम करते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे उन्हें सिखाया जाता है। जी ज़रूर, हम लोग सर के पास चलते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स हमारे अभी काम कर रहे हैं। तो हेलो, हम लोग का अभी जो सेशन चल रहा है वो है कैटलॉग के ऊपर है। सो कैटलॉग में इंडस्ट्री में कैसे मटेरियल मिलता है, कैसे कैटलॉग को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा मटेरियल क्लाइंट सजेस्ट करेगा उस हिसाब से कैसे वो लोग डिज़ाइन करेंगे, अभी फिलहाल मार्केट में कैसा इनोवेशंस हो रहा है, कैसा टेक्निक्स यूज हो रहा है, व्हाट आर द मटेरियल्स अवेलेबल इन द मार्केट, व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, वो हम लोग अभी इस क्लास में सीखेंगे। तो लैब वर्क में वो लोग यहाँ पर सीखते हैं और एग्जीक्यूशन वो सॉफ्टवेयर यूज कर भी करते हैं और कभी कभी वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करते हैं। सो दीज आर द, यू कैन सी द कैटलॉग्स ओवर हियर, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइका, विनियर्स एंड ऑल द कैटलॉग्स
विच आर बीइंग यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स टू लर्न. ओके, सो आप यहाँ पर आएंगे तो ये स्टूडेंट लोग का, ये अभी वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स है, ये फर्स्ट ईयर वो लोग ने काम किया है कि कैसे ये इंटीरियर को डिज़ाइन किया जाता है 3D मॉडल्स. टू हम लोग को क्लाइंट को पढ़ाने के लिए कैसे हम लोग को 3D मॉडल डेवलप करना पड़ता है, उस हिसाब से वी कैन डू. सो यू कैन सी द 3D मॉडल्स, हाउ द इंटीरियर हैज बीन डेवलप बाई द स्टूडेंट्स एंड देयर एग्जीक्यूशन. तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट को हम लोग कैसे 3D मॉडल को एग्जीक्यूट करते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में क्या क्या मेटेरियल्स करते हैं, यूज करते हैं, सब हम लोग सिखाते हैं. तो अब आप आइएगा इस साइड में, तो ये साइड में हम लोग देखेंगे कि एक्सटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का एक्सटीरियर कैसे दिखता है, वो सब हम लोग डिज़ाइन सिखाते हैं कैसे दिखेगा. सो ये कॉलेज में एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि आप सिर्फ इंटीरियर ही नहीं स्टडी करेंगे, हम लोग एक्सटीरियर भी स्टडी करेंगे, आर्किटेक्चर फीचर्स को स्टडी करेंगे, लैंडस्केप एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, हाउ एंड हाउ द लैंडस्केप इंटीरियर के साथ साथ एक्सटीरियर. एग्जैक्टली, एक्सटीरियर भी, एक्सटीरियर फीचर्स, आर्किटेक्चरल फीचर्स, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर्स इंक्लूडिंग द लैंडस्केप आर्किटेक्चर एज वेल. सो लैंडस्केप भी हम लोग स्टडी करेंगे कि बस अभी देखिएगा मार्केट में बहुत सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं सब कोई कि कैसे हम लोग को सस्टेन करेंगे, इतना ह्यूज पॉपुलेशन है हम लोग का, तो हाउ वी नीड टू सस्टेन अवर सस्टेन नाउअडेज. सो वी हैव टू टीच द स्टूडेंट्स कि व्हाट आर द इनोवेटिव मटेरियल्स एज वेल एज व्हाट आर द इनोवेटिव टेक्निक्स दे कैन यूज व्हाइल डिजाइनिंग. सो हम लोग लैंडस्केप के ऊपर भी थोड़ा जोर देते हैं जो कि एक कम्पैक्ट स्टूडेंट लोग का, इंडिविजुअल सबका डेवलप हो सके. अगर 3 साल बाद किसी को लगा कि मुझे आर्किटेक्चर फार्म में करना है, काम करना है, दे कैन शिफ्ट टू आर्किटेक्चर फार्म. किसी को करना है कि लैंडस्केप में काम करना है, दे कैन लैंडस्केप. किसी को प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, दे कैन शिफ्ट टू प्रोडक्ट डिज़ाइन. और किसी को अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइन में काम करना है, फार्म्स, कैबिनेट डिज़ाइन करना है, टॉयलेट्स, किचन वगैरह, तो ये सब में वो शिफ्ट कर सकते हैं. वेल, अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स करना चाहते हैं और सोच रहे करने की, तो क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो एक बार बता. वो लोग पूरा सीखेंगे कि कैसे आर्किटेक्चर और इंटीरियर अभी के लिए हमको फिलहाल ज़रूरत है. मतलब अभी देखिए लोग फ्लैट्स में शिफ्ट हो रहा है बिकॉज वी हैव अ लेस अमाउंट ऑफ स्पेस. तो मॉड्यूलर कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे कम स्पेस में वी कैन गेट ऑल द एमिनिटीज, एक्सुलस लग्जूरियस अपार्टमेंट वी कैन डिज़ाइन, दे कैन डिज़ाइन इन दिस वे. सो दिस इज आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स नाउअडेज. दोज आर हैविंग इनोवेटिव आइडियाज, द डिज़ाइन प्रोस्पेक्ट्स, दे कैन जॉली वेल अप्लाई फॉर दिस कोर्स. एंड आई विल ऑलवेज वेलकम द स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग टू जॉइन एनी डिज़ाइन काइंड ऑफ थिंग. दे कैन ऑलवेज टेक इंटीरियर डिज़ाइन एज देयर सब्जेक्ट एंड दैट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर देयर करियर प्रोस्पेक्ट्स. फिलहाल अभी हमारे साथ मौजूद है इंटीरियर डिज़ाइन के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स. कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इंस्पीरिया कॉलेज में इंटीरियर डिज़ाइन करना क्यों बेटर है. In Inspiria, we are not only taught about the interior designing, but we go into architectural parts also, which includes exterior, interior, and we are taught about the landscape also, which helps us to go into more fields, and not only in interior designing, as we are interior design, as we interior designers have to work with architects also, that it helps us to understand the plans better and the technicalities that are included in the drawings and drafting. That's why Inspira is, I think Inspira is better than other colleges that are, I mean, present in Siliguri right now. फिलहाल हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि Inspira नॉलेज कैंपस में ही आपने इंटीरियर डिज़ाइन क्यों करना चाहा. I didn't really give much thought when I came to this college, but mostly I was attracted to the environment. Especially the architecture, like if you enter, you see the beautiful architecture, the front elevation. So we really loved that, and the interiors is really good. The faculty is really good, up to my experience. And yeah, basically we are taught everything. There were some things really unexpected. We have opened up too much. Like we can understand some things which we never got to know as an artist and as a drawing, a simple drawing artist as well. And she'll say about further. Okay. Well, teachers, आपको किस तरीके से यहाँ पे सिखाती है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे सीखकर? So in Inspira Knowledge Campus, we really focuses on the faculty really focuses on every student, and they push us. The faculties push us to get into more fields, and we have also visited many fields and sectors. Like recently, we had a industrial visit that on Mayfair, and we have really learned a lot and gained knowledge about different interior as well as the exterior part. So yes, I am feeling really nice, and it's a great experience
in Inspiria. अभी हम फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं जो कि लैपटॉप में कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्या प्रोजेक्ट है, किस पे वो काम कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून। सो टुडे वी हैव बीन लाइक एक्चुअली वी हैव बीन गिवन इन प्रोजेक्ट ऑन HIZ बिल्डिंग विच इज़ नोन एज हाई इनकम ग्रुप। सो दिस हैव बीन लाइक वी आर डूइंग अ 2D ड्राफ्टिंग ओवर हियर एंड लाइक दिस इज़ एन AutoCAD program where like we do a 2D drafting and we have been doing a plan. So we are doing a plan on furniture layout and we'll be doing an elevation also, and these are the stilt parkings that we have done. Okay. Also we'll be doing the roof planning also. Mm-hmm. And that's all. तो देखा आपने किस तरीके से स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट पे कितने अच्छे से काम करते हैं। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जो भी कुछ लैपटॉप में कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनसे भी चलिए थोड़ा बहुत बातें करते हैं। Good afternoon, my name is Shahid Malik. She is doing the SketchUp part. Once we are done with the 2D plan, then we build the exterior part of a building. And after building the exterior part, we shift to interior part of a building to make the client understand better. You can see she is doing the 3D part of a exterior now. Later on, she will shift on interior part. Then process kya hota hai, kaise aap karte? First, we build the 2D part in AutoCAD. Then after that we build the 3D model in SketchUp. You can see she already did the exterior part. Then after doing the exterior part we shift to interior part. Interior designing के बारे में हमने आपको बताया और अब बारी है fashion designing की। तो fashion designing में career क्या है, क्या क्या courses है, वो courses जानने के लिए हमारे साथ एक मैम मौजूद है, मिस दीपिका मैम, उनसे बातचीत करेंगे। मैम स्वागत है आप। थैंक यू। तो हमारे जितने भी दर्शक जुड़े, चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर उनके बच्चे हो, तो आप उन मतलब कोर्सेज के बारे में क्या? हेलो एवरीवन, आई एम दीपिका, आई एम फैकल्टी फैशन डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट एट इंस्पिरिया नॉलेज कैंपस। अगर मैं इस कोर्स के बारे में बात करूं, तो यहां पर हम बच्चों के एस्थेटिक सेंस, उनकी काबिलियत, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी इमेजिनेशन, जो भी वो सोचते हैं उसको हम बाहर निकालने की, उभारने की कोशिश करते हैं। वो अपनी क्रिएटिविटी को गारमेंट्स के थ्रू लोगों तक पहुँचाते हैं। इस कोर्स के अंदर वी हैव पैटर्न मेकिंग, स्टिचिंग, गारमेंट सीइंग, जिसके कम्प्लीटली हम बच्चे को सक्षम बनाते हैं। वो मार्केट में जाके इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी गेन करता है। वहाँ पर हमने उनके लिए इंटर्नशिप्स, फर्दर कोर्स के अंदर इंटर्नशिप्स प्लान किए हैं। फैशन इलास्ट्रेशंस हैं उनके लिए। हमारे साथ डिज़ाइनर्स जुड़े हैं इन द सिटी, आउटसाइड द सिटी, जिनके साथ वो आगे जाके एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ओके, जैसे कि ये 3 years का कोर्स है, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कैसे कैसे मतलब क्या कैसे सिखाया जाता है? यस, फर्स्ट ईयर हमने बहुत ज़्यादा बच्चों पे बर्डन नहीं किया है। फर्स्ट ईयर में हम उनको बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, फाइबर्स क्या है, कौन कौन से फाइबर्स अवेलेबल हैं, फैब्रिक कैसे बनता है और उनसे हम आगे गारमेंट्स कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ है। और इसी को आगे लेके जाते हुए हमें इनको पैटर्न मेकिंग, गारमेंट स्टिचिंग, ये सब सिखाते हैं। देन फैशन फोटोग्राफी, फैशन जर्नलिज्म, पोर्टफोलियो रेडी करना, ये सब कुछ है। और थर्ड ईयर के अंदर हमारा इनके लिए इंटर्नशिप्स प्लान है। इंटर्नशिप्स फैशन हाउसेस जो इनसाइड इन दी सिटी हैं और कुछ फैशन हाउसेस आउटसाइड द सिटी, या फिर हमारे डिज़ाइनर्स जो कोलकाता में हैं उनके साथ हमारे टाई अप्स हैं और उनके साथ हम बच्चों को भेजेंगे। 6 months की ट्रेनिंग है जहाँ पर ये ट्रेनिंग लेंगे एंड देन दे बिकम द मार्केट ट्रेंडी स्टूडेंट्स। अगर आप देखें तो ये हमारे ही बच्चों ने टाई एंड डाई किया हुआ है, इनको कॉलेज कैंपस में ही हमने ये चीज़ सिखाई है। ऐसे ही और भी प्रिंटिंग टेक्निक्स या डाइंग टेक्निक्स हम कॉलेज में हमारे कोर्स में सिखाते हैं। फैशन डिजाइनिंग की एक और मैम जुड़ी हुई है, मिस पायल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो मच। ओके, सबसे पहले मैं जो फैशन डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है उसके बारे में आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। फैशन डिज़ाइन का कोर्स ऐसा क्रिएटिव कोर्स है जिसमें बच्चे अपनी क्रिएटिविटी दिखाते, जैसा ऑलरेडी हमारी दीपिका मैम ने एक्सप्लेन किया हुआ है। और एक्चुअली इस कोर्स के बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है बाहर, तो लोग जो पहली बार, उनकी धारणा ये बनती है कि अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो आप टेलर बन रहे, पर ऐसा है नहीं। ये बहुत टेक्निकल कोर्स होता है, मिनिमम 3 years का कोर्स होता है। सारी टेक्निकलिटी होती है। जब एक कपड़ा बन रहा होता है, हम मार्केट में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम ये दिमाग नहीं लगाते कि कपड़ा बन के कैसे आया है, तो उसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं। फिर उसके बाद वो कटाई होती है, फिर डिज़ाइन कैसे बनेगा। सिर्फ सिलाई ही नहीं होती इसमें, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
सो इसी तरह इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारे होते हैं, ये नहीं कि आप सिर्फ एक डिज़ाइनर बन के एक बुटीक खोल लिया और हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन ईजी चीज़ है करना, जो बहुत सारे लोग करते भी हैं और हम सपोर्ट भी करते हैं, बट अभी और भी बहुत सारी नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो सब लोग नहीं जानते हैं। जैसे आप फैशन लॉयर बन सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे डिज़ाइन हाउसेज एक दूसरे के डिज़ाइंस कॉपी करते हैं, तो लॉयर्स आते हैं, फिर जर्नलिज्म भी होती है इसमें, फैशन जर्नलिस्ट होते हैं जो मैगजीन्स के लिए लिखते हैं, एडिटर्स बनते हैं, उसके बाद फिर आपके इन्फ्लुएंसर्स तो हैं ही, उसके बाद ऑटोकैड ऑपरेटर्स, क्वालिटी चेकर्स, जो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज होते हैं उसमें क्वालिटी चेक करनी होती है, तो जैसे आपके टी शर्ट्स आपके बहुत सारे क्वांटिटी में बन के आ रहे हैं तो वहाँ पे चेकिंग की ज़रूरत होती है जिसको आपको मैनुअली करना होता है, तो वो भी एक फैशन डिज़ाइनर ही पढ़ के बनता है। और उसके अलावा हमारे यहाँ मर्चेंडाइजर्स होते हैं जो आपके जितना भी प्रोडक्ट बन रहा है किसी ब्रांड के अंडर उसका देखभाल करते हैं, उसकी निगरानी रखते हैं कि कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा। उसके बाद विजुअल मर्चेंडाइजर्स होते हैं जो आप हम सारे इतने सारे मॉल्स जाते हैं उसके अंदर जितनी भी जो भी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होते हैं उसके पीछे उनका हाथ होता है कि कैसे हम ऐसे डिस्प्ले करें कि वो सारे प्रोडक्ट बहुत जल्दी कोई आके बस somebody will just buy them off the shelf. वेल, अगर फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में इंडस्ट्री बनाना, मतलब फैशन डिज़ाइनिंग में अपना एक पहचान बनाना चाहते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले? सो बेनिफिट तो यही है कि उनका एक अपना नाम हो जाता है, और सब हर कोई पहले इस धारणा से शुरू करता है कि हम एक फ़ैशन डिज़ाइनर ही बनेंगे, पर जैसे जैसे कोर्स अपनाते हैं बच्चे और जैसे जैसे और शिक्षित होते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, क्या वो सिर्फ ड्राइंग और पेंटिंग में जाना चाहते हैं और एक इलस्ट्रेटर बनना चाहते हैं या फिर एक सच में डिज़ाइनर बनना चाहते हैं और बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के अंडर काम करना चाहते हैं, जैसे सब्यासाची हो गए, इन सब के अपने एक असिस्टेंट डिज़ाइनर्स होते हैं, तो आप या तो वो कर सकते हैं या फिर आप वोग मैगज़ीन के एडिटर इन चीफ बन सकते हैं और फ़ोटोशूट्स करवा सकते हैं, आप फैशन फोटोग्राफर भी बन सकते हैं जहाँ पे आप फ़ोटोशूट्स खुद करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, एंड ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। सो ये सोच के चलना कि सिर्फ और सिर्फ टेलर वाला ही काम है ये गलत है। तो हमारे जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं उनके मम्मी पापा या फिर जो भी बच्चे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सो मैं यही कहना चाहूँगी कि फैशन डिज़ाइनिंग ऐसा कोर्स है जो पैशन ड्रिवन है, अगर आपका बच्चा पैशनेट है फैशन डिज़ाइन के लिए, जो जिसे लगता है कि मेकअप कपड़े जूते ये सब उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सारे जितने भी आप देख सकते हैं फेमस फैशन डिज़ाइनर्स लड़का लड़की दोनों ही हैं आज हमारे देश में, सो अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उन्हें ज़रूर ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो उभर के नहीं आ पाएंगे और अपना डिसीजन नहीं ले पाएंगे और बाद में जाके उनको करियर फिर वापस स्विच करनी होगी, जो कि इवेंचुअली वो यही करेंगे बट टाइम लग जाएगा, तो टाइम बचाने के लिए आप सपोर्ट ज़रूर करें। तो अभी हमारे साथ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कुछ मौजूद हैं फैशन डिज़ाइनिंग के, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि सबसे पहले मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स इंस्पिरिया कॉलेज में ही क्यों चुना? आई हैव जॉइन इंस्पिरिया बिकॉज इट इज़ द ओनली कॉलेज वेयर विच ऑफर्स 3 years फुल डिग्री कोर्स इन फैशन डिज़ाइनिंग एंड इट हैज़ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लैब्स एंड द प्रैक्टिकल रूम्स आर वेरी इंप्रेसिव, दैट्स व्हाई आई चोज़ हियर। The teachers are very supportive. I am learning a new things from them and at the beginning I was very scared but now I am very comfortable and it's very good to learn with them. I would say if you are looking for a career in fashion designing then Inspiria is the right choice. Here there is a freedom that allows you to do what you love. We motivate you to be an exception, to be unbreakable, to pave way for glory, to rock every endeavor, to be extremely passionate, to be the voice of your own, to make noise with the actions. Because we give wings to your dreams. We are the experience that inspires you to achieve. Admission now. Get life ready with Inspiria Knowledge Campus.
तो ये था इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस, जहाँ पे आप फैशन एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आके आप इंटीरियर और फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, वही लेवल में जो आप बाहर जाके करना चाहते हैं कोर्स, वही लेवल में वही क्वालिटी में आप यहाँ पे इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट को टीचर्स सिखाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाते हैं, प्रैक्टिकली थ्योरी बहुत अच्छे से सिखाते हैं, साथ इंटर्नशिप वगैरह सब कुछ, प्लेसमेंट सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। इसी के साथ आपको ये कैंपस कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और हाँ फैशन और इंटीरियर डिज़ाइन के लिए आपके लिए ये कॉलेज बेस्ट है। और हाँ एड्रेस मैं आपको बता दूँ कि ये सिचुएटेड है माचीगढ़ा हिमाचल बिहार में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।